नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपत और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस सोसाइटी में, समाज में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उनका नाम है सीमा दास और वो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की। सीमा दास जी ईसी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पद के लिए उम्मीदवार हैं, इस बार वो खड़ी हुई हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि इस बार जो वो खड़ी हुई हैं चुनाव के लिए तो उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं और क्या वो अगर जीतती हैं तो क्या कुछ वो नया करने वाली हैं। सबसे पहले तो सीमा दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकपत में। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल होगा आपके बारे में कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पिछले 25 साल से वहाँ पढ़ा रही हूँ। एक एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से वहाँ अभी हूँ, कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं एक एडी का की सोल्जर हूँ, ये अपने आप को मेरी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी मैं अपना मानती हूँ। फिर मैं एडी के ही प्लेटफॉर्म से मैंने ड्यूटा का चुनाव लड़ा है और ड्यूटा की एग्जीक्यूटिव रही हुई हूँ दो बार। अभी फ़िलहाल मैं एकेडमिक काउंसिल की भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी, मेरा मैम अगला आपसे सवाल होगा कि ये जो एब्जॉर्प्शन है उसका रोड मैप क्या है? देखिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक लंबे आंदोलन के बाद ये एब्जॉर्प्शन जो है एक मुकाम पे पहुंचने की स्थिति में आज हो पाया है, एक कंक्रीट स्टेज पे पहुंच गया है। और वैसे तो आप देखें तो भारतवर्ष में बहुत जगह, बहुत सारे राज्य में एब्जॉर्प्शन हो चुका है और कई तरह के रूट लिए गए हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उस पर काम हो रहा है। तो हम बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1977-78 में ऑर्डिनेंस 13 के तहत, जो वहाँ उस समय टेम्प्रेरी शिक्षक पढ़ा रहे थे क्योंकि उस समय एडहॉक तो था नहीं, एडहॉक शिक्षक तो बाद में आए, 1990s के बाद आए। तो उस समय जो टेम्प्रेरी शिक्षक पढ़ा रहे थे उनका ऑर्डिनेंस के तहत, 13B के तहत ही उनका रेगुलराइजेशन हो गया था विदाउट सिलेक्शन कमिटी फिर से फेस किए करने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ फाइल से उनका हो गया था। तो ये एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक बार हो चुका है तो वो आज के दिन में हम पूरा विश्वास है कि इस रूट से यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक जो है वो एब्जॉर्प्शन, उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और इसके लिए पिछले 8 दिसंबर को हमारे ईसी मेंबर राजेश झा और प्रोफेसर जेएल गुप्ता जी ने काफ़ी पहल की, काफ़ी वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई। वैसे हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, एसी हो या ईसी हो, हम इन दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में वेल में बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं और एब्जॉर्प्शन की डिमांड करते हैं। तो इन सबों का हमें फल भी मिल रहा है क्योंकि 8 दिसंबर का जो मीटिंग हुआ था ईसी का, उसमें अथॉरिटीज़ ने अनाउंस कर दिया है कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो कि एब्जॉर्प्शन पे होगी। एब्जॉर्प्शन का जो रोड मैप है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा या उसके जितने भी पहलू हैं उस पर विचार करेगी ये कमेटी, और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि हम आगे क्या करें। तो रोड मैप बेसिकली जो है ये कमेटी तैयार करेगी, कमेटी के थ्रू ये रिकमेंड कर सकती है कि हम ये ऑर्डिनेंस के द्वारा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस यूनिवर्सिटी है तो इसके पास कुछ पावर है और ये और एब्जॉर्प्शन भी उस रास्ते से पॉसिबल है। तो ये अब ये यदि आप हम देखा जाए तो हम दूसरे यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं, राजस्थान में भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ की ईसी के रेजोल्यूशन से ही बहुत सारे जो वहाँ पे गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहे थे वहाँ पे एडहॉक टीचर्स का कंसेप्ट नहीं है, तो उनका भी रेगुलराइजेशन हो गया है। तो बहुत सारे हैं, यदि देखिए हम इसमें भी विश्वास करते हैं कि लीगल लॉ नहीं है। सपोज़ कि कुछ लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो फिर अब कोई लीगली टेनेबल नहीं है वगैरह वगैरह की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई यहाँ पे डिवाइन लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रजातंत्र है जहाँ की लॉ बनते हैं, लॉ चेंज होते हैं, यूजीसी के रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। तो केवल एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, यदि कमिटमेंट की ज़रूरत है और यदि सारे शिक्षक ग्रुप एक साथ आ जाए तो रास्ता अपने आप बन जाएगा।
और सभी शिक्षक ग्रुप को पता है कि कैसे ये हो सकता है, तो एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। और फिर एक मैं फिर कहना चाहूँगी कि टीचर्स यूनिटी मार्च ऑन, इसकी आवश्यकता है। सब लोग मिलके इस मुद्दे को यदि हम सुलझाना चाहते हैं रियलिटी में, तो हम इसको सुलझा लेते हैं। ऐसा कोई ऐसी कोई मृग मारीचिका वाली बात नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस केवल एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने आप रास्ते निकल जाएंगे। हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार हो चुका है, ऑर्डिनेंस के द्वारा हो चुका है, तो एक बार यदि हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। मैम, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि आप इसी के पद के लिए उम्मीदवार हैं, अगर आप जीत कर आती हैं तो आप क्या कुछ नया करने वाली हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। इन सब समस्याओं को मैं चाहूँगी कि शिद्दत के साथ इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए और समस्याओं को रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, एब्जॉर्प्शन ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एब्जॉर्प्शन मतलब परमानेंट, ये जो टीचर्स हैं, जो एडहॉक टीचर्स हैं, उनको एब्जॉर्प्शन के द्वारा परमानेंट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको इसका लॉजिकल एंड तक ले जाना है, वो तो मेरे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और मैं चाहूँगी कि इस दिशा में कुछ कॉन्क्रीट काम करूँ सब साथियों के साथ मिलके। हमारे एसी के भी बहुत डेडिकेटेड पैनल ये हैं, दावेदार हैं एसी के, और सब मिलके हम चाहते हैं कि इसको एक अंजाम, अब्जॉर्प्शन की लड़ाई को एक हम लॉजिकल एंड तक ले जाए। उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें जो मैं सोच रखी हूँ। एक तो मैं सोच रखी हूँ कि ये एडहॉकिज़म जो है, एडहॉक टीचर जो, उनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं। देखिए, मेल एडहॉक टीचर्स की जो समस्याएं हैं और जो टीचर एडहॉक टीचर्स की जो जनरल समस्याएं हैं, वो तो एक तरफ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, उन्हें वो भी रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय का नहीं होता, उनके पास छुट्टी ही नहीं मिलती है। महीने में एक छुट्टी, सपोज़ कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर वो उनका तो पे कट हो जाता है, उनको तो मुश्किल होती है, कहीं कोई इमरजेंसी में भी नहीं जा सकते। दूसरी बात है कि पैंडेमिक में आप देख लीजिए, पैंडेमिक में कितना मुश्किल था, हेल्थ क्राइसिस आ गई थी। उसमें कई हमारे साथी, परमानेंट हों और एडहॉक शिक्षक हों, सभी कई कोविड के शिकार हुए थे। परमानेंट टीचर्स के तो चलिए, उनके पास तो सरकार ही देती है, हमारे पास वो सारे एवेन्यूज़ हैं, लेकिन इसमें एडहॉक टीचर्स का तो के पास तो बिल्कुल ही कोई किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि हमारे लिए परमानेंट टीचर्स के लिए सारे प्रावधान हैं। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एम्पैनल्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम जाके अपना और हमें मिलते भी हैं, मेडिकल के रिमर्समेंट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन एक एडहॉक शिक्षक बीमार होता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स बीमार होती हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कैसे हम इनका इलाज कराएं। दूसरी बात है कि कई इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ की इनको सैलरी तक नहीं मिलती है, जैसे कि डिपार्टमेंट में है, किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट से इनकी सैलरी रोक दी जाती है, एरियर्स नहीं मिला हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। महिला एडहॉक टीचर्स की और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ा तो मैं चाहूँगी कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है, उनका हक ये एडहॉक शिक्षक शिक्षिकाओं को ज़रूर मिले और जल्दी से जल्दी मिले। वैसे इस इशू को हमने उठाया है, एसी में भी उठाया है, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट ब्लैक एंड वाइट में अभी तक नहीं आया है। अश्योरेंस मिला है एसी में भी, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी नहीं आया है। इसको हमें शिद्दत से उठाने की ज़रूरत है, बहुत ही गहरी समस्या है ये। इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट, छुट्टी, प्लस उनके तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनके इसीलिए सबसे बड़ा तो समस्या का समाधान इसमें होगा कि सब परमानेंट हो जाए एक बार में, तो उनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये परमानेंट नहीं हुई, एटलीस्ट इनको इस तरह का हक मिले। और प्लस एडहॉकिज़म तो हम डिमांड कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की, वन टाइम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम, और एडहॉकिज़म शायद रहेगा, एडहॉक टीचर्स का जो प्रोविज़न है वो शायद रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऐसी स्थिति में जो भी ज्वाइन करे, कुछ समय के लिए भी ज्वाइन करे या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन करे, सरकार कह रही है तरह तरह के
तरीके से शिक्षक को यहाँ पे ले रहे हैं, उनका को अपॉइंट करा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि उनको इस तरह का सर्विस कंडीशन भी दिया जाए जो कि उनको इनेबल करे कि वो अपने लाइफ को एक डिग्निटी की तरह कर सके, वो अपने और अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से उनका लालन पालन कर सके और समाज में एक रिस्पेक्ट लें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेमेन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शिक्षा के बाद उनको सोशल रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो कमाते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे वो जो कमाते हैं तो उनको देखा जाता है कि अरे उनके हस्बैंड होंगे, उनके माता पिता होंगे, वगैरह वगैरह होंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला के लिए फैमिली में रिस्पेक्ट तब मिलता है जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों। और बीइंग अ फीमेल टीचर, मैं समझती हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, उसको अच्छी तरह से उठा सकती हूँ। वैसे मैं कहूँ तो मैं जेंडर स्टडीज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था तो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे मैं समझ सकती हूँ कि उनके डिफरेंट आयाम क्या क्या हैं स्त्री। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक तरह से हमारे पब्लिक फंडेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का एक मॉडल है, उस पर उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का एक प्रयास है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया हुआ है, कमर्शियलाइजेशन फिर प्राइवेटाइजेशन का एक ये एक रोड मैप ही दिखाता है, वर्कलोड ख़त्म करना, एकेडमिक रिगर को ख़त्म करना, बहुत सारे तो इसमें मैं चाहती हूँ मेरी भूमिका रहेगी कि इस तरह के जो ऑनस्लॉट हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अटोनमी पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बेसिक कैरेक्टर है जो बीइंग अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, उसको रजिस्ट करें, उसको देखें कि जब तक ना वो रुक सकता है और चेंजेस लाए। बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जैसे इसी से जुड़ी हुई आपकी, जैसे 12 कॉलेज, अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है किसी तरह से ये फलीभूत हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक एग्जांपल तो हम देख रहे हैं 12 कॉलेजेस में शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, इतने महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही, पैंडेमिक के दौरान उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसको भी एक अर्नेस्टली इसको लेने टेकअप करने की ज़रूरत है। इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के, मतलब एक पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा ना बना के इसको भी रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसे आज 12 कॉलेज के साथ ये समस्या है, कल को पूरे कॉलेज के, पूरे यूनिवर्सिटी के अनेक डिफरेंट कॉलेज के साथ ये समस्या हो सकती है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जिस पर कि AED हमेशा से फाइट करता रहा है, हमेशा से शिक्षकों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहता, आंदोलन हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, AC हो, EC हो, कहीं भी हो, AD के कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं। हम चाहेंगे कि हम इसी जज्बे के साथ टीचर्स के हित के लिए हमेशा लगे रहें और उनके लिए काम करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे सीमा दास जी को, जो कि हिंदू कॉलेज की प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस की, इन्होंने बताया कि AAD किस तरह से टीचर्स के हित के लिए हमेशा से सामने आता रहा है और काम भी करता रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर आप उन्हें वोट क्यों दें, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने अपने इन बातों में साफ़ कर दी हैं कि किस तरीके से अगर वो जीत कर आती हैं तो टीचर्स के हित के लिए दिन रात काम करेंगी। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लोकपाल, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।